एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम साइंस के बाकी के 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आगे की जो साइंस की वीडियोस है वो आपको संतोष शर्मा सर पूरा करवाएंगे, तो आप उनके साथ कॉपरेट करना। उनको भी सारा पैटर्न पता है, वो खुद डीएलएड के स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी गवर्नमेंट टीचर हैं स्कूल में, तो आपको अच्छे से वो कवर करा देंगे सारी चीज़ें साइंस की, और जो भी एक्सप्लेन करने लायक चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका आने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो जिसमें नाइट्रोजन स्थायीकरण कर पाते हैं, वो है चना और दलहन फसलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102, भूस्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? इसका आंसर है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 103, आवृत्ति की इकाई क्या है? जो फ्रिक्वेंसी है उसकी इकाई क्या है, हम उसको किस में नापते हैं? आपको पता है हम फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, प्रतिलिपि के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है वो क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा प्रमोटर। क्वेश्चन नंबर 105, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक मेज है जो कि गोल 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 घूम रहा है, अचानक से एक कोई आता है और उसके एकदम बीचों बीच कूद जाता है, ठीक है, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग का प्रभाव क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना, वो रुकने लगेगा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 108, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि जो डैम होता है ना उसके जो नीचे की दीवार है वो मोटी क्यों बनाई जाती है? ताकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है ना, जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतना जो है लिक्विड के जो पानी फ्लो कर रहा है उसका दबाव अधिक होगा, तो इसलिए मोटी दीवार रहेगी, तब तो डैम टिका रहेगा ऊपर तक। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 109, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रह सकते हैं क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो पानी है अगर ऊपर से जमा हुआ है फिर भी उसके जो नीचे का जो टेम्परेचर होगा ठंडी जगह पर उसका नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 110, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा है? एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 111, पानी के भरे गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मृदा दिखता है, यह किस कारण होता है? यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 112, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये बहुत बार आया क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। मानव जो हमारा जो शरीर है उसमें जो पसलियां हैं उसकी संख्या कितनी है? 12। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बहुत ब्रीफ में नहीं पूछा जाता, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो वैक्यूम है उसके अंदर जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? देखो, एक होता है नॉर्मल स्टील, ठीक है, जो कि आयरन का ही एक पार्ट है, लेकिन अगर हम उस आयरन के अंदर क्रोमियम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? क्रोमियम, तो कैसा बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। स्टेनलेस स्टील नॉर्मल स्टील की तुलना में काफ़ी मजबूत होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे, क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर होता है ना, हॉर्स पावर, एक एचपी में
किसके बराबर होता है? एक एच पी सात, एक एच पी जो है टोटल 746 वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। इनमें जो विटामिन ए है वो रहता है लीवर में। कहाँ रहता है? लीवर में। और विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 134 विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 135 हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हमारा हार्ट बीट है ना उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे जो ज़रूरी एलिमेंट है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ये याद रखना है, आता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 136 जो श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिका का क्या कार्य है? जो हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं उसका क्या काम है ये हमें बताना है। तो आपको पता है जो WBC होता है वो क्या काम करता है? रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है ना, एंटीबॉडीज़ बनाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है, मगर लेगा किससे? सिर्फ ओ नेगेटिव खुद से। ठीक है, तो ये बहुत रेयर ब्लड है, ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो हम खाना खाते हैं उसका सबसे बड़ा भाग हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पसता है? वो पसता है छोटी आंत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 139 मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जो मछली होता है उसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी वाला तेल पाया जाता है, जिसको हम ओमेगा 3 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ओमेगा 3 इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ये भी बहुत बार आया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसका क्या कारण है? कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाय का जो दूध होता है वो पीला रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 144 ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग हर जगह आपको मौजूद मिल जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 142 ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा जो है ना वो उसका सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। पारा में ऊष्मा सबसे अधिक सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 143 सिरका का रासायनिक नाम क्या है? जो हम सिरका का यूज़ करते हैं ना उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है एथेनोइक एसिड। क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 144 एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसका हम आप मात्रक है? विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 146 एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया? एडवर्ड जेनर था, उसने चेचक का टीका का खोज किया था। किसका? चेचक के टीके का। क्वेश्चन नंबर 147 शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? जो शैवाल होते हैं उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। क्वेश्चन नंबर 148 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने। क्वेश्चन नंबर 149 कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना से। क्वेश्चन नंबर 150 फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो फूल गोभी होता है उसका खाने वाला हिस्सा कौन सा होता है? जैसे फल जो बना होता है फूल जैसा वही होता है, उसको कहते हैं पुष्पक्रम। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम, उसी को हम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब तक के लिए इसी को आप रिवाइज़ करिए और आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, इसको क्या कहा जाता है? ऑलरी कल्चर। क्या कहा जाता है? ऑलरी कल्चर। इसमें उगाया जाता है आलू।
क्वेश्चन नंबर 117, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। जब सोने का कोई भी धातु बनता है तो आपको पता होगा कि वो 22 कैरेट पर बनता है। कितने? 22 कैरेट पर, है ना। हालांकि 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, लेकिन अगर उसका कोई आभूषण बनाना है तो 22 कैरेट का होगा। उसके अंदर जो 2 कैरेट है वो तांबा मिलाया जाता है ताकि उस वो थोड़ा सा ठोस बन सके। क्या मिलाया जाता है? तांबा। और तांबे का कलर भी पीला है और सोने का भी पीला है, तो वो आपस में आराम से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा द्रव्यमान। क्या किया जाता है? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 119, बालचंद्र क्या है? बालचंद्र क्या है? चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 120, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? ये आपको पता होगा, जो भी हम खाते हैं हम अपने खाने को कैलोरीज में नापते हैं। किसमें? कैलोरीज में। क्वेश्चन नंबर 121, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति है डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में। क्वेश्चन नंबर 122, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी? जे बी थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 123, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? इसका आंसर होगा टिश्यू कल्चर। क्या होगा? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन ने, आपको पता है, 3 नियम दिए हैं। उसका जो पहले गति का नियम है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपको डायरेक्ट बता देना है इसका आंसर और अपना सिलेक्शन जो है, एडमिशन जो है अपना सिक्योर कर लेना है। ठीक है, तो साइंस के लगभग हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे और ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ध्यान से देखिए और करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 125, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? जो घोड़ा है वो गाड़ी खींचता है तो किस बल का प्रयोग करता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आरोपित बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन विषाणुओं को क्या कहते हैं जो विषाणुओं में संक्रमण करते हैं, उनके भीतर प्रगुणन करने और उनका अपघटन कर देते हैं? अच्छा, इसलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कौन उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर जाके उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। ऐसा वायरस कौन सा है? लेनी वायरस है। क्या है? लेनी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरणों की होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को। जो परमाणु संख्या होती है ना, उन नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटोनों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस एलिमेंट में कितने प्रोटोन हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल हो गया आपके में, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, तो आपके में डायरेक्ट यहीं से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 130, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कहाँ से करता है? दूषित भोजन या जल से। क्वेश्चन नंबर 131, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, तो मस्तिष्क की बीमारी है उसको कैसे पहचाना जाता है? वो पहचाना जाता है EEG के थ्रू। यहाँ पे ECG लिखा है, ये गलत है। ECG आपको पता है वो हार्ट के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो हार्ट की बीमारी पता करता है, लेकिन मस्तिष्क की जो बीमारी है वो EEG के थ्रू पता लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 132, शहद का प्रमुख घटक है। देखिए, जितनी भी मीठी चीज़ है ना, मीठी चीज़ जो उसको मीठापन प्रदान करती है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? फ्रुक्टोज होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में जो विटामिन ए